नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का जो है आपका सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव किताब है, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न पर किताब है, ठीक है। इस किताब को जो है हम लोग सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो अभी ज्योग्राफी का सेट प्रैक्टिस करेंगे और जिसका चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर आपका 11 होगा, सॉरी चैप्टर नंबर 8 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और टॉपिक 11 और पार्ट नंबर इसका दूसरा होगा। तो हम दूसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे, तो इंडस्ट्री इन इंडिया चैप्टर नंबर 11 जो था इसका हम लोग आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका सेकंड वीडियो होगा आज, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर इस सेकंड वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 68, सिटीज नोन फॉर सिल्क वियरिंग इंडस्ट्री। तो सिटीज नोन फॉर सिल्क वियरिंग इंडस्ट्री, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कांचीपुरम। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कांचीपुरम। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू। तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है ए वन ओनली। द कोचिन शिपयार्ड वाज कंस्ट्रक्टेड विद द जापानीज असिस्टेंस। और आपका दूसरा है द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वाज सेटअप विद जर्मन कोलैबोरेशन, ये भी आपका सही है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो आपका पहला ही सही है, द कोचिन शिपयार्ड वाज कंस्ट्रक्टेड विद द जापानीज असिस्टेंस एंड इंटीग्रल कोच वाज सेटअप विद जापानीज कोलैबोरेशन, ये आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 70 है, लिस्ट वन को लिस्ट दो से मिलाइए। तो लिस्ट वन आपका दिया स्टील मिल और लिस्ट टू आपका स्टेट है। तो ऑप्शन स्टील मिल आपका है कालीनगर, गंगानगर आपका विजयनगर, ठीक है, और सलेम और दुर्गापुर, और स्टेट है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका। तो 70 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो कलिंगानगर है, तो कलिंगानगर हो जाएगा आपका उड़ीसा, और विजयनगर हो जाएगा आपका तो आप कर्नाटका, सलेम हो जाएगा आपका, सलेम स्टील मिल आपका जो हो जाएगा जो है तमिलनाडु, और आपका दुर्गापुर स्टील मिल है आपका वेस्ट बंगाल में। तो गलिंगानगर हो जाएगा आपका उड़ीसा में, विजयनगर हो जाएगा आपका कर्नाटका में, सलेम हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। 71 नंबर क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर डेवलप्ड जॉइंटली विद, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ऑनली, ऑप्शन सी 2 एंड 4, ऑप्शन डी 3 एंड 4। तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ओनली, द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम आर डेवलप्ड जॉइंटली विद तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पीईएल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये दोनों से मिलकर आपका ईवीएम बनाया कंपनी बनाती है, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 72 है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज बीन अकॉर्डेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 3। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अकॉर्डेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली, बनारस ब्रोकेट्स एंड सारिस, और आपका है जो तिरुपति लड्डू, ये ठीक है, ये दोनों आपका सही हो जाएगा, और स्थानीय दाल बाटी चूरमा ये गलत हो जाएगा। तो बनारस ब्रोकेट्स एंड सारिस और तिरुपति लड्डू ये दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, द यूरेनियम माइंस बीइंग डेवलप्ड बाय यूसीआईएल एट लंबापुर एंड डोमिया सियाट आर लोकेटेड रिस्पेक्टिवली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यूरेनियम माइंस बीइंग डेवलप्ड बाय यूसीआईएल एट लंबापुर डोमिया सियाट आर लोकेटेड रिस्पेक्टिवली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ऑप्शन ए झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल एंड असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड मेघालय, ऑप्शन डी महाराष्ट्र एंड सिक्किम, ठीक है। तो ऑप्शन ए झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल एंड असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड मेघालय, ऑप्शन डी महाराष्ट्र एंड सिक्किम, ठीक है। तो 73 का आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश एंड मेघालय। तो यूरेनियम माइंस बीइंग डेवलप्ड बाय यूसीआईएल एट लंबापुर एंड डोमिसिया आर लोकेटेड रिस्पेक्टिवली इन आंध्र प्रदेश एंड मेघालय। 74 नंबर क्वेश्चन है, इंडस्ट्री
लिस्ट वन इंडस्ट्री है, लिस्ट दो आपका जो है इंपोर्ट प्रोड्यूसिंग सेंटर है, तो लिस्ट वन आपका है सिल्क रेल बैगन पेपर लेदर, लिस्ट दो आपका कोलार सिरपुर टीटागढ़ चेन्नई, तो आपको मिलाना है ठीक है। तो 74 का आपका राइट कोड क्या होगा, तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर ए 1234 ठीक है। तो सिल्क का हो जाएगा कोलार, रेल बैगन का सिरपुर, पेपर का आपका टीटागढ़, और लेदर का आपका जगह लेदर इंडस्ट्री चेन्नई में। तो सिल्क इंडस्ट्री कोलार में, रेल बैगन आपका सिरपुर में, पेपर इंडस्ट्री आपका टीटागढ़ में, और लेदर इंडस्ट्री आपका चेन्नई में ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया हैव बिकम सिक इन रिसेंट ईयर्स मेनली बिकॉज, द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया हैव बिकम सिक इन रिसेंट ईयर्स मेनली बिकॉज, ऑप्शन ए रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, ऑप्शन बी पावर कट्स हैव बिकम मोर फ्रीक्वेंट, ऑप्शन सी मशीनरी हैज बिकम ऑब्सोलीट, ऑप्शन डी कॉस्ट ऑफ लेबर हैज इंक्रीज्ड। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मशीनरी हैज बिकम ऑब्सोलीट, द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया हैव बिकम सिक इन रिसेंट ईयर्स मेनली बिकॉज मशीनरी हैज बिकम ऑब्सोलीट। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्पॉट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी कोरम्बे, ऑप्शन सी कालपक्कम, ऑप्शन डी नरोरा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 76 का राइट ऑप्शन बी त्रॉम्बे, तो यह त्रॉम्बे आपका इसमें सही मिलान नहीं है, बाकी आपका तारापुर कालापक्कम आपका नरोरा है ठीक है। क्वेश्चन में आपका जो है रेलवे कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड, तो रेलवे कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड, ऑप्शन ए पेरम्बूर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी चितरंजन। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पेरम्बूर, तो रेलवे कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड पेरम्बूर। 78 है, द मेन एक्सपोर्टर्स ऑफ सुपर फाइन क्लॉथ आर, द मेन एक्सपोर्टर्स ऑफ सुपर फाइन क्लॉथ आर, ऑप्शन ए सोलापुर एंड कोयम्बटूर, ऑप्शन बी बॉम्बे एंड अहमदाबाद, ऑप्शन सी मद्रास एंड कलकत्ता, ऑप्शन डी बेंगलुरु एंड मैसूर। तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे एंड अहमदाबाद। क्वेश्चन आपका 79 है, द परसेंटेज ऑफ विल प्रोड्यूस क्लोथ टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 8%। तो 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10%। क्वेश्चन 80 है, हाउ मेनी जूट मिल्स इंडिया हैड ड्यूरिंग 1974, ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 55। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 75। क्वेश्चन आपका 81 है, द आयरन एंड स्टील प्लांट इन झारखंड इज, ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी बरनपुर, ऑप्शन डी विजयनगर। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन बी बोकारो, तो आयरन एंड स्टील प्लांट इन झारखंड इज बोकारो। तो 82 नंबर क्वेश्चन है, आपको मिलाना है ए बी सी डी में तिरुचिरापल्ली, विशाखापट्टनम, बबड़ी और चितरंजन, यह आपका लोकोमोटिव टैंक फैक्ट्री इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री ऑफ सिप बिल्डिंग। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 3421 ठीक है। तो एक आपका तिरुचिरापल्ली का हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, विशाखापट्टनम का हो जाएगा आपका जो है सिप बिल्डिंग, अवाड़ी का हो जाएगा आपका जो है टैग फैक्ट्री, और चितरंजन का आपका लोकोमोटिव ठीक है। तो आपका जो है तिरुचिरापल्ली हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, विशाखापट्टनम सिप बिल्डिंग, अवाड़ी आपका जो है लोकोमोटिव, आपका चितरंजन, अवाड़ी आपका टैंक फैक्ट्री, आपका चितरंजन आपका लोकोमोटिव हो जाएगा। 83 है, इन रिसेंट डिकेड्स देयर हैज बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ, इन द रिसेंट डिकेड देयर हैज बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ, ऑप्शन ए एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, ऑप्शन बी कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल, ऑप्शन सी मिनरल रॉ मटेरियल, ऑप्शन डी मशीनरीज। तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिनरल्स रॉ मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 84 है, रेलवे कोचेस आर प्रोड्यूस्ड, रेलवे कोचेस आर प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन ए पेरम्बूर, ऑप्शन बी कोट्टयम, ऑप्शन सी बेल्लोर, ऑप्शन डी त्रिचूर। तो 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेरम्बूर, तो रेलवे कोचेस आर प्रोड्यूस्ड पेरम्बूर। 85 नंबर क्वेश्चन है, शिप्स आर बिल्ट इन, तो शिप्स आर बिल्ट इन, ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी गोवा। तो 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, तो शिप्स आर बिल्ट इन विशाखापट्टनम। 86 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट शिप मैन्युफैक्चर इन इंडिया वाज, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1970। तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1960। क्वेश्चन 87 है, शिप्स आर रिपेयर्ड मेनली एट, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी मचगांव डॉक एट बॉम्बे। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मचगांव डॉक एट बॉम्बे। तो 88 है, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन, ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1948 है। 89 है,
द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेरेशन लेट स्टेज ऑफ ऑप्शन ए मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑप्शन बी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ऑप्शन सी सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। 29 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिक्स्ड इकोनॉमी। जो आपका 90 है, व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवाइज्ड आफ्टर 1948, ऑप्शन ए इन 1954, ऑप्शन बी इन 1956, ऑप्शन सी इन 1958, ऑप्शन डी इन 1960। तो व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवाइज्ड आफ्टर 1948, तो इस करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1956। ठीक है, 91 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आसाम। तो 91 करेक्ट है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 92 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट वाज स्टार्टेड इन 1965 इन इंडिया विद वेस्ट जर्मन कोलैबोरेशन, ऑप्शन ए जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट, ऑप्शन बी बोकारो स्टील प्लांट, ऑप्शन डी राउरकेला स्टील प्लांट, ऑप्शन डी ऑप्शन सी दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राउरकेला स्टील प्लांट, क्योंकि आपका उड़ीसा में, उड़ीसा या छत्तीसगढ़ में होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 93 है, एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड इन, तो एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन डी पिंपरी इन महाराष्ट्र। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन बी ऋषिकेश। क्वेश्चन आपका 94 है, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन, तो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन ऑप्शन ए जमशेदपुर आसनसोल, ऑप्शन बी बॉम्बे पुणे, ऑप्शन सी कानपुर लखनऊ, ऑप्शन डी बेंगलुरु एंड मद्रास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जमशेदपुर आसनसोल। 95 है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया ऑप्शन ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर। 96 है, द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ऑप्शन ए ट्रॉम्बे, ऑप्शन बी नंगाल, ऑप्शन सी अलावे, ऑप्शन डी सिंदरी। तो फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिंदरी। क्वेश्चन आपका 97 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट ईयर प्लान शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विद लोअर इंफेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज आर मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिगिंस इन, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट ईयर प्लान, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान। ठीक है, शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज विद लोअर इंफेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिगिंस इन, तो ऑप्शन ए फोर्थ प्लान, ऑप्शन बी सिक्स्थ प्लान, ऑप्शन सी एट प्लान, ऑप्शन डी टेंथ प्लान। तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एट प्लान। ठीक है, तो इंडिया फाइव ईयर प्लान में आपका जो है शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ लोअर इंफेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिगिंस इन एट प्लान। क्वेश्चन आपका 98 है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स, अशोक लीलैंड, हिंदुजा ग्रुप, हिंडालको, ए बी बिरला ग्रुप इंडस्ट्री, ऑप्शन थ्री आपका सुजलॉन एनर्जी, पुंज लायलोट ग्रुप। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच, ऑप्शन ए वन एंड टू ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली, ऑप्शन डी वन टू थ्री। तो 98 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वन टू ओनली। तो अशोका लीलैंड, हिंदुजा ग्रुप, हिंडालको, ए बी बिरला ग्रुप और आपका जो है सुजलॉन एनर्जी, पुंज लायलोट का ग्रुप, ये गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वन है आपका एमएमटीसी लिमिटेड इज इंडिया लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा आपका है नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड हैज बीन सेट अप बाय एमएमटीसी जॉइंटली विद द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एमएमटीसी लिमिटेड इंडिया से लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका सही है। ठीक है, और आपका जो है नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड हैज बीन सेट सेटअप बाय एमएमटीसी जॉइंटली विद द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, ये भी सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड स्टिल प्रोड्यूसिंग ऑयल, ऑप्शन ए बॉम्बे हाई, ऑप्शन बी दिगभोई, ऑप्शन सी अंकलेश्वर, ऑप्शन डी नहर कटिया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड स्टिल प्रोड्यूसिंग ऑयल, तो आपका 100 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिगभोई। क्वेश्चन आपका जो है 101 है, असर्शन ओरिजिन दिया हुआ है, तो असर्शन कह रहा है अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, रीजन आज कह रहा है अहमदाबाद इज लोकेटेड इन मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, सो इट हैज नो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। तो 101 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए इज फर्स्ट बट आर इज टू, तो ये आपका जो है गलत है, बाकी आपका 8 सही है। ठीक है, तो अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, ये गलत है, अहमदाबाद लोकेटेड इन मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, सो इट हैज नो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन रीजन आर सही हो जाएगा।
102 नंबर क्वेश्चन है द विश्व विश्वेश वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड इज लोकेटेड एट द विश्वेश वरैया आयरन एंड स्टील लोकेटेड स्टील इन लिमिटेड इज लोकेटेड ऑप्शन ए बेंगलोर ऑप्शन बी भद्रावती ऑप्शन सी बेंगलोर ऑप्शन डी मैसूर। तो 102 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी भद्रावती। क्वेश्चन नंबर का 103 है विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इन उत्तर प्रदेश हैज बीन जनरेटेड इंटरनेशनल स्टेटस ऑन 24 जून 2020 बाय यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इन उत्तर प्रदेश हैज बीन जनरेटेड इंटरनेशनल स्टेटस ऑन 24 जून 2020 बाय यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए आगरा एयरपोर्ट ऑप्शन बी प्रयागराज एयरपोर्ट ऑप्शन सी गोरखपुर एयरपोर्ट ऑप्शन डी कुशीनगर एयरपोर्ट। 103 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर एयरपोर्ट। जो आपका 104 है द विश्वेश वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड लोकेटेड ऑप्शन में भी इसका भद्रवती हो जाएगा। खुद आपका 105 है विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन ए कोयम्बटूर ऑप्शन बी चेन्नई ऑप्शन सी बेंगलुरु ऑप्शन डी मदुरई। तो विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 105 का ये हो जाएगा कोयम्बटूर। 106 है टिस्को प्लांट इज लोकेटेड नियर ऑप्शन ए पटना ऑप्शन बी दरभंगा ऑप्शन सी धनबाद ऑप्शन डी टाटानगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 106 का डी टाटानगर। द स्टेट विच हैज रिसेंटली ओवरटेकन कर्नाटका फॉर द टॉप रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज द स्टेट विच हैज रिसेंटली ओवरटेकन कर्नाटका फॉर द टॉप रैंक इन द बायो प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ऑप्शन ए तमिलनाडु ऑप्शन बी गुजरात ऑप्शन सी महाराष्ट्र ऑप्शन डी पंजाब। 107 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 टॉपिक नंबर 12। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन।